अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथी डॉक्टर नज़रुल इस्लाम, नज़र होम्यो हर्बल क्लिनिक, भट्टा चौक, बेदिया रोड, लाहौर से मुखातब हूँ। आज मैं आपको बच्चों के सूखापन या जिसको सोखड़ापन कहते हैं, लागर जिस्म, कमज़ोर बच्चे जो खाना खाने के बावजूद जो है वो कमज़ोर नज़र आते हैं। फिज़िकली तौर पर वो बिल्कुल एक्टिव होते हैं, यानी कि खेल कूद में वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, शरारतें वो खूब करते हैं और बाज़ औक़ात खाना भी वो ठीक खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बिल्कुल वीक होते हैं, नज़र आते हैं वीक। और माँ बाप से अक्सर जो है उनके रिलेटिव या उनके दोस्त अहबाब पूछते हैं कि आपका बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है या से आप खिलाते नहीं हैं। तो जब इस तरह के सवाल वालदैन से करें तो वालदैन जो है ना वो बहुत परेशान होते हैं और वो भी कोशिश करते हैं किसी डॉक्टर या किसी हकीम के पास लेके जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारा बच्चा खाता भी ठीक है लेकिन इसके बावजूद जो जिस्म है वो इसका बहुत कमज़ोर है। इसके लिए आज मैं होम्योपैथिक की आपको दो बेस्ट मेडिसिन बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से ये जो सूखापन होता है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बच्चे जो हैं वो उनकी लागरी कमज़ोरी ठीक हो जाएगी, उनका जिस्म भरना शुरू हो जाएगा और किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। उसके लिए जो सबसे पहली मेडिसिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है एब्राटोनो। ये 30% में लेनी है और खाना खाने से पहले 5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम खाने से पहले 1 कप पानी में मिला के दे दें, या इसके लिए ऐसा भी है कि इसको किसी जूस में या किसी जो है मिल्क शेक के अंदर उसमें भी डाल के ये दे सकते हैं, अगर बच्चे को उसमें ड्रॉप में से अगर कोई स्मेल वगैरह आए तो, या इसको चीनी में डाल के 5 कतरे वो चीनी भी बच्चे को जो है ना वो खिला सकते हैं। तो इसके बाद जो दूसरी मेडिसिन है वो है ब्रेट्राकाप 30। ये भी सुबह, दोपहर, शाम 5-5 कतरे खाना खाने से पहले 1 कप पानी में मिलाकर लेने हैं। और दोनों दवाइयाँ जो हैं वो, सॉरी, पहले वाली मैंने आपको सुबह शाम बताई है, वो भी सुबह दोपहर शाम ही हैं और दोनों खाना खाने से पहले हैं, लेकिन 5 मिनट का वक्फा देना बहुत ज़रूरी है और ये कम अज़ कम 1 से 2 माह इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला बच्चा जो है उसकी जो खुराक है वो जज्बे बदन बनेगी, उसका जो लागर जिस्म है वो भरना शुरू हो जाएगा, उसकी ग्रोथ होगी, अगर उसकी हाइट रुकी हुई है हाइट भी बढ़ेगी और बच्चा जो है वो देखने में अच्छा भला नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर किसी नई मेडिसिन के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।